बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान अली रज़ा अरशद सोहरावर्दी प्रोग्राम तौबा इस्तग़फ़ार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। नाज़रीन, दीन इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान को यकीन, तयक्कुन और पुख्तगी फराहम करता है और इंसान के ईमान को मुतज़लज़ल नहीं होने देता। लेकिन क्या वजूहात है कि आजकल के दौर में हम देखते हैं कि हम लोग मुख्तलिफ तरह के वहम और वसवसों का शिकार हैं। कुरान पाक में फरमाया गया, मिन शरिल वसवासिल खन्नास, यानी कि पनाह मांगी गई है शैतान के वसवसों से। और आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का अभी काफ़ी लंबा एक टाइम जो है वो हमने गुजारा, और फिर दोबारा केसेस सामने आ रहे हैं, और जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से भी लोग बहुत ज़्यादा वहम और वसवसों का शिकार हैं। हर रोज़ हम देखते हैं कि नई नई तरह के वसवसे और वहम जो है वो जन्म ले रहे हैं। इनकी क्या वजूहात हैं, इनका तदारुक किस तरह से मुमकिन है, बेहतरी किस तरह से आ सकती है, दीन इस्लाम में हमें इस हवाले से क्या रहनुमाई फराहम की गई है, इस हवाले से आज इंशाल्लाह बात करेंगे। वहम और वसवसा हमारा आज का मौजू गुफ्तगु तौबा इस्तग़फ़ार में, और इस हवाले से गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं अलामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, इंशाल्लाह इस हवाले से बात करेंगे, स्टूडियोज़ में हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल है दोबारा से, इस हवाले से भी बात करनी है। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, जो कि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, उन्हें शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, अल्लाह तबारक व ताला आपको अजर अता फरमाए। मैडम, कल की आपकी स्टेटमेंट थी कि वैक्सीन की एडवांस बुकिंग के हवाले से रबते किए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि इस हवाले से फरमाइए कि ये कब तक मुमकिन होगा, इसकी दस्तयाबी कब तक मुमकिन होगी, और इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है पाकिस्तान में वो क्या होगी। मैडम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इस वक्त दुनिया में कोई 8 से 9 कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन डेवलप करने के फाइनल मराहल में पहुंची हुई हैं और फाइनल ट्रायल्स उनके हो रहे हैं। तो ये कंपनीज जो हैं, ये अमेरिकन भी हैं, रशियन भी हैं, इसमें यूके की कंपनीज भी हैं, चाइना की भी हैं और कोई यूरोपियन ममालिक की भी हैं। तो अब ये पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इन कंपनीज से रबते में है, और चूंकि वजीर आजम साहब की तरफ से गो अहेड मिल गया हुआ है कि आप लोग एडवांस बुकिंग के लिए अपने रबते करें और वर्किंग करें, तो इस वक्त हम लोग रबते में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो इन कंपनी से रबते में है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें देखनी है। जिस तरह अब अमेरिकन जो फाइजर की एक अनाउंस हुई है वैक्सीन के, वो तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, मगर वो -80 डिग्री पे उसको रखना पड़ता है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनमें हम भी आते हैं, शायद वो वाली कोल्ड चेन मेंटेन करना हमारे लिए शायद इतना आसान ना हो जब हमने छोटे शहरों में और इधर उधर ट्रांसपोर्ट करनी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, प्राइसिंग भी हमने देखनी है, अफोर्डेबिलिटी देखनी है, अवेलेबिलिटी देखनी है कि कौन सी कंपनी हमें जल्द अज जल्द दे सकेगी। तो ये सारी चीजें के लिए रबते जो हैं वो किए जा रहे हैं, कंपनीज के साथ हो रहे हैं। ठीक। अब ये है कि ये चूंकि अपने फाइनल मराहल में है ये वैक्सीन, तो अभी तक उम्मीद यह है कि ये लोग 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में WHO की प्री क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे, और जब जब WHO की तरफ से ये प्री क्वालिफाई हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, तो फिर 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में इनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, और उसी वक्त उम्मीद है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी आ जाएगी। ठीक है मैडम, इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस डॉक्टर साहब क्या कुछ आइडिया तो होगा इस हवाले से हमारी? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जितनी वैक्सीन आएंगी वो फ्री ऑफ चार्ज होंगी, बिल्कुल वो गवर्नमेंट जो है वो खुद लगाएगी, और पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल जो हैं, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वगैरह, यानी जो लोग डायरेक्टली कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पे मौजूद है, पहली प्रायोरिटी उनको लगाई जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारे सीनियर सिटीजन 65 ईयर से अबव, तो ये पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं,
और ये गवर्नमेंट के जितनी भी गवर्नमेंट बाहर से मंगवाएगी वो तमाम फ्री ऑफ कॉस्ट होगी अपनी शहरियों के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये अभी वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो ये भी सुनने में आया था कि चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान इस हवाले से काम कर रहा है जी और वो वैक्सीन भी सुना था कि करीब है तैयार होने के, तो वो किन मराहिल तक पहुंची अभी तक? देखिए जी, चाइना की एक कंपनी है कैंसिनो बायो, जी उसकी वैक्सीन है जिसकी क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं NIH की सुपरविजन में, और वो तकरीबन इस वक्त 4,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन पाकिस्तान में लग चुकी हुई है। हमारा ठीक टारगेट है कि हम 8,000 से 10,000 लोगों को वो वैक्सीन लगाएं, और वो वैक्सीन जो है वो वॉलंटियर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लग रही है इस वक्त इस्लामाबाद में भी और कराची के इंडस हॉस्पिटल में, लाहौर के UHS में। तो ये वैक्सीन ट्रायल बेसिस पे पाकिस्तान में लग रही है ठीक और उम्मीद है कि इसके भी जब ये लगने के बाद इसके फिर जब टेस्ट होंगे तो रिजल्ट्स। ये भी इंशाल्लाह ताला इसके अच्छे नतायज आएंगे, तो वो चाइना की वैक्सीन भी पाकिस्तान में फिर इंशाल्लाह ताला ठीक है अवेलेबल होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज दोबारा से जो एक कन्फ्यूजन देखने में आ रहा है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान हैं कि बंद हो जाएंगे या खुले रहेंगे, और कुछ इलाकों में तो बंद भी हो चुके हैं, तो इस हवाले से ये फरमाइए कि हुकूमत ने क्या लायमल तैयार किया है आने वाले दिनों के हवाले से, क्योंकि 3 4 5 महीने पहले भी कारोबार भी तालीम भी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर रही, तो अभी कुछ ऐसा लायमल कोई तैयार किया जा रहा है कि ये कारोबार भी बंद ना हो, तालीम भी मुतासिर ना हो और कोरोना के ऊपर काबू भी पाया जा सके? जी देखिए, ये तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से एक मौकिफ रहा है कि कारोबारी जिंदगी जो है उसको बंद करना जो है वो हमारे मुल्क की मफाद में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहती है, जी और जब ये चीजें बंद होती हैं, चाहे उसमें डेली वेजर्स हो, मजदूर हो, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज के या जो भी नीचे का तबका है, वो फिर उनके घरों में फाकों की नौबत आ जाती है। बिल्कुल तो दूसरी बात यह है कि अब कोरोना वायरस का हमें पता है कि जब तक कोई मौसर वैक्सीन नहीं आती है, और जाहिर है जब वो आएगी भी तो सारी आबादी को एक साथ तो नहीं लग सकती ना, ये साल डेढ़ साल का अर्सा लगेगा जब तक सारी आबादी तक वो वैक्सीन पहुंचाई जा सके। तो ठीक इस दौरान ये है कि हमें अब ये समझना है कि कोरोना वायरस अब मौजूद है कुछ अर्से के लिए, वो ठीक साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी हो सकता है, तो इसके दौरान आप अपने मुल्क को लॉकडाउन नहीं कर सकते, मुल्क की मुआशी सरगर्मियों को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे जितना बड़ा नुकसान होगा वो लोगों को संभालना फिर बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाए। जाएगा। ठीक तो इसलिए अब हमें, जबकि पता भी है कि कोरोना वायरस का फैलाव किस तरीके से रोका जा सकता है और वो एहतियाती तदाबीर अपना के, और जो गवर्नमेंट की बताई हुई SOP मुख्तलिफ कारोबारों के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में, स्कूल्स के बारे में, सब हर चीज की SOPs जो है रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए और माशी सरगर्मियां जारी रखने के लिए वो बता दी गई हैं। तो ठीक इसका तो यही है कि गवर्नमेंट अब उन SOPs के ऊपर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाने के लिए लाहे अमल बना रही है, जिस तरह आपने देखा भी है कि अब वो मास्क वाली पॉलिसी अप्लाई हो रही है, ना लगाने के ऊपर फाइन भी होंगे, इसी जी तरह जिला इंतजामिया अपने अपने इलाकों में मुतहरक है, वो जगह ठीक जगह मार्केट प्लेसेस पे, शादी हॉलों में, रेस्टोरेंट्स में छापे भी मार रही है, जहाँ पे SOPs पे अमल दरामद नहीं हो रहा वो सील भी हो रहे हैं और वहाँ पे फाइन्स भी हो रहे हैं, अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो अब यही है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है कि एक लिमिटेड फॉर्म में माशी सरगर्मियां जो हैं वो जारी रहे SOPs के ऊपर अमल दरामद करते हुए। स्कूल्स ठीक का और कॉलेजेस का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, जहाँ तक है वो NCOC की रिकमेंडेशन यही है कि चूंकि ये नवंबर दिसंबर जो है ये बड़ा पीक सीजन एक्सपेक्टेड है, कि हम सही लोग एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ यानी कि अर्ली और एक्सटेंडेड विंटर वेकेशन की तजवीज दी गई है, जिसपे ठीक फाइनल डिसीजन जो है वो 23 नवंबर को जब तमाम एजुकेशन के मिनिस्टर सूबाई और वफाकी बैठेंगे तो तब फाइनल फैसला होगा। डिसीजन 23 नवंबर को होगा इसके चले, बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आपका वफाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानिब, और आज का हमारा मौजू गुफ्तगू वहम और वसवसा, और इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलडवी साहब और अलामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब। तो आगाज़ गुफ्तगू मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब आपसे, और आज वसवसे और वहम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले ये फरमाइए कि वसवसा क्या है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अली रज़ा अरशद भाई,
सबसे पहले आपका और आपकी पूरी रोज़ न्यूज़ टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू करने का मौका मुयस्सर किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरि नास, वो जो लोगों के दिलों के अंदर वसवसे डालते हैं, मिनल जिन्नति वन नास, उनमें जिन्नात भी हैं और इंसान भी हैं। तो जो इंसान के दिल के अंदर जो वसवसा और ख्याल पैदा होता है, उसे खाले के कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर एक और जगह पर भी बयान फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत शाह फरमाता है, हमने इंसान को पैदा फरमाया, वलकद खलकनल इंसाना, और अलबत्ता ताकीक हमने इंसान को पैदा फरमाया, वन्ना आलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सो, और उनका जो नफ्स उनके अंदर वसवसे पैदा करता है उसे भी हम जानते हैं। इसमें तीन चीज़ें हो गईं, एक हो गया शैतान, दूसरा इंसान और तीसरा इंसान का अपना नफ्स। ठीक ये तीन चीज़ें जो हैं ये इंसान के अंदर वसवसे पैदा करती हैं। सही है। हमें ये वसवसे पैदा करके इंसान को राहे हिदायत से दूर करना, बुरे ख्यालात की तरफ लेकर जाना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के सहाबा ने हुजूर अली सलात वसलाम की बारगाह नाज में भी ये अर्ज़ की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जहनों के अंदर, हमारे नफ्सों में कई मरतबा ऐसे ख्यालात आते हैं कि जिनको हम अपनी ज़ुबान पर ला भी नहीं सकते, जी और अगर हम अपनी ज़ुबानों पर लाएँ तो हो सकता है हमें कत्ल कर दिया जाए। ऐसे ऐसे हमारे जहनों के अंदर गुमानात आते हैं। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि ये जो तुम्हारे दिलों के अंदर, तुम्हारे नफूस में इन गुमानात का आना है, वसवसों का आना है, ये इस वजह से है कि ये तुम्हारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को पुख्ता कर रखा है। ईमान की अलामत ये है, और इसी हदीस के शरह करते हुए मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कि ये जो वसवसात आते हैं ये इस वजह से कि कभी भी ये नहीं देखा गया कि चोर किसी खाली घर के अंदर दाखिल हुआ हो, जहाँ पे ईमान होता है वहाँ पे शैतान डाका डालने की कोशिश करता है। जिस तरीके से खाले के कायनात कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि शैतान को जिस वक्त मोहलत दी गई, उसने ये कहा, लअक़ुदन्नहुम अला सिरातिकल मुस्तकीम, कि मैं इनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी फिर आगे इस इंसानियत के लिए, ये नहीं कि इंसान को बिल्कुल छोड़ दिया, नफ्सो शैतान के रहमो करम पे छोड़ दिया, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, हमने जहाँ पे नफ्स रखा, जहाँ पे शैतान का मार रखा, वहाँ पे हमने अपनी तरफ से इल्हाम भी रखा। सुभान अल्लाह फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, सुभान अल्लाह फुजूर जो इंसान को बुराई की तरफ लेकर जाता है, और कुछ इल्हाम ऐसे हैं जो इंसान को अच्छाई की तरफ और सुभान तकवे अल्लाह की तरफ लेकर जाते सुभान हैं। अल्लाह और दूसरे मकाम पे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अगर शैतान सीधे रास्ते पे बैठा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वना आलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सो व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अगर इनका नफ्स इनके अंदर वसवसात पैदा करता है तो मैं रब होके इनकी शह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब, अभी मुफ्ती महबूबुर रहमान साहब फरमा रहे थे कि इंसान का अपना नफ्स, शैतान, जिन और इंसान, ये चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर वसवसे पैदा करते हैं। अच्छा, शैतान का और नफ्स का तो समझ में आता है, शयातीन का भी, जिन्नात का भी। एक इंसान
किसी दूसरे इंसान के दिल में किस तरह से वसवसा पैदा कर सकता है, इस हवाले से फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अली रज़ा अरशद भाई आपका और आपकी पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आज आपने इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू का मौका इनायत फरमाया और बड़े ही खूबसूरत अंदाज के अंदर मुफ्ती महबूबुर रहमान साहिब गोलड़वी दामद बरकातुहुल आलिया आप बड़े अहसन अंदाज में इस टॉपिक के हवाले से जो है वो इब्तदाई हवाले से बयान फरमा रहे थे कि वसवसा है क्या और तवहम का जो शिकार हो जाते हैं यानी वहम, इसकी तशरीह फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। देखें अली भाई, अर्ज़ ये है कि जिन्नात और जो इंसान का नफ्स है वो इंसान के दिलो दिमाग में बुरे ख्यालात का जो है वो एक दाखला करते हैं और दाखिल करके इंसान को उकसाते हैं। लेकिन जो इंसान है वो आजकल मैं समझता हूँ कि इनकी ज़्यादा कसरत है, इनकी ज़्यादा कसरत है। मसलन अजीबो गरीब से सवालात करने, जिस तरह के मिसाल के तौर पे कई हम लोग देखते हैं कि जो दिमागी लिहाज से दुरुस्त नहीं होते और वो अगले के बारे में अगले से ऐसे बारे में सवाल करते हैं कि अगला बंदा भी परेशान हो जाता है, उसको भी वहम में डाल देते हैं। मसलन अब एक बंदा कहता है जी देखें जी हमें तो अल्लाह ने पैदा किया, आसमान ज़मीन मशरक मगरब शुमाल जुनूब हर शय अल्लाह ने कायनात के अंदर उसने पैदा फरमाई, फिर अल्लाह को किसने पैदा फरमाया। अब ये वहम और ये गुमान एक इंसान ने डाला तो इसलिए कहा गया कि ऐसे इंसान के और ऐसे जिन्नात के शर से बचने के लिए आप ये कर लें कि ये बताया जाता है कि आप सूरह नास और सूरह फलक ये दो सूरतें पढ़ लें ताकि आप जिन्नात के शर से भी बचते रहें और इंसानों के शर से भी बचते रहें। इसलिए ऐसी गुफ्तगू को जबान पे ना लाया जाए जो किसी को गुमराह करने का सबब बने। इसलिए कोशिश की जाए कि ऐसे इंसानों से बचा जाए जो ऐसे सवालात करते हैं। तो इसलिए जो इंसान है आजकल मैं समझता हूँ कि जिन्नात से ज्यादा और नफ से ज्यादा ये इंसान है जो इंसानों को गुमराह करते हैं। इसलिए उनके शर से बचने के लिए हदीस पाक में आया है कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो आप आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लें और फिर अपने बाएं जानिब हल्का सा थूक दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो वहम और ये गलत ख्यालात हैं वसवसे हैं इंसान का जहन उससे पाक हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अच्छा अलामा साहब, शक और वहम में क्या कोई फ़र्क है? अर्ज ये जी, शक एक मिसाल के तौर पे बंदे को किसी बात में कोई किसी चीज़ का डाउट हो वो तो हो गया शक। ठीक कि भाई यार शायद ऐसा भी है या नहीं है, ऐसा है ऐसा नहीं है। और जो वहम और एक वसवसा है वो इंसान को इससे भी आगे की सोच बुरी दिलाता है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। अच्छा, शक ही जब अगली सूरत इख्तियार करता है तो वो वहम की जी होती है। वहम और वसवसा जो है मैं समझता हूँ कि वो उससे अगला जो है वो स्टेप है कि जो इंसान को गुमराह कर सकता है उससे बचने के लिए कोई हीला इख्तियार किया जाए। और इसके बारे में कहा गया है कि आप जब भी रात को सोएं तो सूरह फलक और सूरह नास ये जरूर पढ़कर सोएं। इंशाअल्लाह लजीज पूरा जो आपका ये वक्त है अगर आपके जहन में, क्योंकि अक्सर बंदा सोता है अली भाई तो आपने देखा होगा कि सोने से पहले इंसान को अजीबो गरीब से ख्यालात आते हैं। जी जी, शैतान ख्यालात बुरे दिलाता है, फिर इसी तरह नमाज में बुरे ख्यालात दिलाता है। इंसान पढ़ कुछ और रहा होता है तो वो जहन में कोई और बात आ गई, रकात भूलने का मामला तो अक्सर लोगों के साथ रहता है। जी जी, तो ये चीज़ भी जो है वो शैतान की तरफ से डाली जाती है इंसान के जहन में कि भाई यार आपने इतनी रकतें पढ़ ली हैं, इतनी आपकी रह गई, वो इसलिए इंसान भूल जाता है। जी जी, तो उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको सुबह और शाम में ये आउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ लेना चाहिए तीन तीन मरतबा ताकि अल्लाह तबारक व तआला बुरे ख्यालात से महफूज रखे। जी आमीन। मुफ्ती साहब, जैसे शक और वहम में फ़र्क है, इसी तरह क्या वहम और वसवसे में भी फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो वो क्या फ़र्क है इन दोनों? जी, वहम जो इंसान के जहन में गुमान आता है ये भी एक गुमान है, और वसवसा जो है वो उसकी पहले तारीफ हो चुकी है कि वसवसा क्या होता है इंसान के, इनमें फ़र्क क्या है ये फरमाइए। जी जी,
इनमें जो फर्क है वो एतबारी है। अच्छा, कि जो वहम है, वहम इंसान के जहन में आके वो इतना पुख्ता हो जाता है कि जो इंसान को जहालत की तरफ लेकर जाता है, और जो वसवसा है, वसवसा वो इतना पुख्ता नहीं होता, वो इंसान के जहन में आता है और चला जाता। अगर अल्लाह ताला से उसकी पनाह मांग ली जाए तो इंसान के जहन से वो उठ जाता है। सही। तो ये वहम जो है, वहम ये वसवसे से ज्यादा पुख्ता और कवी है, इसकी वजह से इंसान जलालत की तरफ जाता है, गुमराही की तरफ जाता है, जहालत की तरफ जाता है। अगर यूं कहा जाए कि वहम जो है वो मुस्तकिल तौर पर होता है और वसवसा आरजी तौर पर होता है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? हाँ, ऐसा कहना भी दुरुस्त है कि वहम जो है वो इंसान के जहन में अक्सर आता है, ठीक, और वसवसा जो है वो इंसान के जहन में मुस्तकिल तौर पर रहता नहीं है, मुस्तकिल तौर पर नहीं रहता, ठीक, और आया और वो रफा हो गया जिस वक्त आपने तावुज पढ़ लिया, या जिस तरीके से अलामा इमरान हबीब जैसा फरमा रहे थे कि मुआवज़तैन आपने पढ़ ली तो वो वसवसा जो है वो खत्म हो जाएगा। सही। वसवसा जो है खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जो वहम है, वहम के बारे में ये कहा जाता है कि वहम का कोई इलाज नहीं है। हकीम लुकमान ने गालिबन ये कहा था कि वहम का इलाज मेरे पास भी नहीं है। जी बिल्कुल, वहम जिसके जहन में आ जाता है उसका कोई इलाज नहीं होता। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम, आप एक मरतबा गालिबन इतकाफ बैठे हुए थे, आपकी जौजा मोहतरमा हजरत सफिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बरगाह नाज में हाजिर हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम उन्हें रुखसत करने के लिए मस्जिद के दरवाजे तक तशरीफ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां तशरीफ लाए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास से दो अनसार सहाबी गुजर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने उन दो अनसार सहाबा को बुलाकर उन्हें रोक कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ये जो जा रही हैं ये मेरी जौजा सफिया हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम के गुलामों ने जिस वक्त सुना, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है कि हम आपके बारे में ऐसा गुमान करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया कि शैतान जो है ये इंसान के खून के अंदर सिरायत करता है। अल्लाहु अकबर। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जहन के अंदर कोई इस तरीके से गुमान आ जाए और वो गुमान तुम्हें किसी गुमराही की तरफ लेकर जाए, उससे बचाने के लिए मैंने तुम्हारे सामने इसकी वजाहत कर दी। वो गुमराही की तरफ भी लेके जा सकता है। अलामा इमरान हबीब जाई साहब, किस अक्सर देखा गया है इस हवाले से कि किसी को भगवान समझ लिया जाता है, मतलब कि ये इसको मैं देखूंगा अगर, या इसकी मेरे साथ सोहबत होगी तो मेरा काम हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, और कुछ लोगों को जो है वो मनहूस तसव्वुर कर लिया जाता है। तो ये जब हम क्राइटेरिया बनाते हैं तो इसकी वजह से भी इंसान वहम और वसवसों में जो है वो मुब्तला होता है। अर्ज़ ये है अली भाई के, पहली तो बात है, मैं समझता हूँ कि ऐसा सोचना कि भाई यार मैं इसके साथ हो जाऊँगा तो मैं, मतलब है कि ये शख्स मनहूस है और मैं इसकी वजह से शायद मैं भी एक बड़ा रवायती, आपकी बात इंटरप्ट हो रही, बड़ा रवायती सा जुमला है, हम हर किसी ने इस हवाले से सुन रखा है कि हम अक्सर कहते हैं कि यार आज इस शख्स का चेहरा देख लिया या इस औरत का चेहरा देख लिया तो मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरेगा। तो ये सोच और फिक्र आई कहाँ से, और इससे भी इंसान वहम और वसवसों में मुब्तला होता है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ऐसा सोचना मैं समझता हूँ कि एक जहालत है सरासर, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखें, अल्लाह ताला की सारी मखलूक है, मुमकिन है कि शायद आप किसी अमीर से अमीर बंदे, खूबसूरत से खूबसूरत बंदे के साथ बैठें तो आपका दिन अच्छा ना गुजरे। जी ठीक है, तो मुमकिन है कि आप किसी गरीब की दुआ आपको मिल जाए, सुबह सुबह सलाम दुआ कर लें तो आप सारा दिन जो है वो खुशी खुशी गुजारें और सारा दिन आपका अच्छा गुजरे, ऐसी बात नहीं है। अर्ज़ ये है कि जहन में ख्याल और तसव्वुर ये करना चाहिए कि हम जिस पर सलामती भेजेंगे वो हम पर सलामती भेजेगा, यानी सलाम की सूरत में, तो यकीनन हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। तो हाँ, ये बुरे ख्याल हमें पैदा करना कि शायद इसका मैंने चेहरा देख लिया तो मेरा दिन बुरा गुजरेगा, ये बात गलत है, इसका कोई शरीयत में कोई ऐसी चीज़ नहीं। सवाल मेरे ज़हन में है, कैंची चलाने के हवाले से भी कहा जाता है कि अगर कैंची चलाई जाए तो लड़ाई होगी, नहीं इस हवाले से, बल्कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर ऐसा होता तो जो हुजाम होते हैं उनके तो हर वक्त लड़ाई होनी चाहिए, हुजाम हो या टेलर्स हो तो उनकी तो हर वक्त लड़ाई होनी चाहिए। जी, हर लड़ाई, ऐसी बात नहीं है, इसका कोई शरीयत से ताल्लुक नहीं है। को जहन में
अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए, अच्छा मतलब एक सोच रखनी चाहिए, मुस्बत सोच अगले के लिए, और ये सोचना चाहिए कि शायद मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, तो हम अगले को नफा पहुंचाने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे अर्ज करूंगा कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक है जी, इंसान को इज्जत देना एक इंसान पर वाजिब है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान भाई को इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी ना, बिल्कुल। तो बाकी जिस तरह मुफ्ती साहब की गुफ्तगू चल रही थी और मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि वो रिवायत इन्होंने पेश की, तो मैं यहाँ पे एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, तो इसको इमाम ज़हबी ने अपनी बुक में लिखा है। वो फरमाते हैं कि हज़रत सैदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तन, यानी वालिद और बेटी, दोनों एक पहाड़ पे असर की नमाज के बाद तशरीफ फरमा थे, बाहर कहीं गए तो वहां पे बैठे तो खूबसूरत हवा चल रही थी, आका अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ मदीना पाक से बाहर निकल के, तो आका अलैहिस्सलाम ने दूर से देख के फरमाया, ऐ प्यारे अबू बकर, जी अर्ज की, जी आका। फरमाया कि आपको पता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो देखने वाला क्या सोचेगा? अर्ज की, आका क्या सोचेगा, हम तो बाप बेटी हैं। मेरे आका ने फरमाया, नहीं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देखेंगे उनके जहन में ये वसवसा पैदा होगा, ये वहम और ख्याल आएगा कि ये बाप बेटी नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? हालांकि एक तरफ उम्मुल मोमिनीन है, दूसरी तरफ यारे गार हैं, खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, और फरमाने वाले मेरे आका करीम की जाते वाला शान है। आप फरमा रहे हैं कि ऐ प्यारे अबू बकर, आज के बाद मैं आपको और आपकी बेटी सैयदा आयशा सिद्दीका को इकट्ठे ना देखो, यहाँ पर लोगों की नजरें कुछ और देखती हैं, जहन कुछ सोचते हैं, वसवसे ख्यालात शैतान डालने में देर नहीं लगाता। इसलिए अर्ज करने का मकसद यह है कि जब भी सोच सोचें तो अच्छी और मुस्बत सोच रखनी चाहिए, ताकि अगर इंसान, अली भाई, एक बात बुरी सोचता है ना, उससे 10 बातें आगे इंसान के जहन में शैतान डालने वाला डाल देता है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि यार फलां बंदा मेरे साथ झूठ बोल रहा है, फलां बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है, तो अब उस फ्रॉड तक तो ठीक है, मतलब जहन में एक बात आ गई चली गई, लेकिन शैतान अगली 10 बातें भी डालेगा, यार इसने फलां जगह पे मेरे साथ फ्रॉड किया होगा, फलां जगह पे भी इसने मेरे साथ फ्रॉड किया होगा। इसलिए अल्लाह और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के नज़दीक ये चीज़ जिसके जहन में आए उसको फौरन मुआवज़ा तहन पढ़नी चाहिए, यानी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें, अल्लाह ताला जहन को बुरे ख्यालात से पाक फरमाए। सही है। बहुत सारी चीज़ें जो हमने खुद ही इख्तियार की हुई हैं या जहनी तौर पर हमने उनका तसव्वुर बनाया हुआ है, वो वहम की वजह से भी, वसवसों की वजह से भी हो सकती है। अच्छा, मंगल के दिन कुछ लोगों का कहना है कि बाल नहीं कटवाने चाहिए और कुछ लोग कटवाते भी नहीं, इसमें क्या हकीकत है, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए वाकई? जी अली रज़ा अरशद भाई, इस हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़र के बारे में और बदशगुनी पकड़ने के हवाले से जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया, और बल्कि आपकी बात इंटरप्ट हो रही है, मंगल के दिन सफ़र करने से भी कुछ लोग गुरेज करते हैं। जी बिल्कुल, तो किसी दिन को, किसी महीने को, किसी जगह को किसी भी तौर पर मनहूस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये सारी अल्लाह ताला के दिन है, पैदाइश है, उसने उनको पैदा किया है, और जितने भी अय्याम हैं वो सारे अल्लाह ताला के अय्याम हैं। किसी को इस तरीके से नहीं कहना चाहिए कि ये दिन मनहूस है
और ये दिन अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, ये वही बात आ गई कि हम अपने जहन में उसको गुमान लेकर आएंगे, हम अपने जहन के अंदर जो बात लेकर आएंगे उसके मुताबिक हम जो रोल प्ले करेंगे और फिर वो हमारे जहन में जो बातें उठती चली जाएंगी। इस वजह से ज्यादा गुमानात से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया कि तुम ज्यादा गुमानात से बचो। क्या क्या इसकी वजह ये तो नहीं है मुफ्ती साहब कि हम सब कॉन्टिनेंट में जब हिंदुओं के साथ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान इतने साल जो है वो इकट्ठे रहे हैं, तो बहुत सारी सोच और फिक्र हमने उनसे अडॉप्ट कर ली हिंदुआना? उसका भी असर हो सकता है, लेकिन आज जो मौजूदा दौर जो चल रहा है इसमें ज़्यादातर जो हम बैरून ममालिक और मुख्तलिफ किस्म के मजाहिब की जो चीज़ें देखते हैं उनसे भी हमारे जहन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के खतरात, मुख्तलिफ किस्म के खदशात। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म के हमारे जहनों के अंदर नज़रियात आते हैं, उनसे फिर हमारी मुख्तलिफ किस्म की सोचें उभरती हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवालात उससे उठते हैं। ये इसकी वजह यह है कि आप मौजूदा जदीद दौर है, हर आदमी के पास मोबाइल मौजूद है, घर के अंदर टेलीविजन मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म के नजरियात को देखने सुनने की वजह से कोई ना कोई बात जहन में बैठती है और इंसान कंफ्यूज होता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है ज्यादा गुमानात से जो इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाते हैं। सूरह हुजरात के अंदर खालिक के कायनात इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों ज्यादा गुमानात से बचो क्योंकि गुमानात ऐसे हैं जो गुनाह हैं। फला तजस्सु, और बेहुदा किस्म की तजस्सुस के पीछे भी ना पड़ो, किसी की जासूसी भी ना करो। तो आज इस मौजूदा पुरफितन दौर के अंदर हमारे जहनों के अंदर जो उठने वाले गुमानात होते हैं वो हमको गुनाहों की तरफ लेकर जाते हैं। अगर वो गुमान गुमान ही रहा और उससे हमने कोई बात नहीं की या हमने कोई फेल नहीं किया, उस वक्त तक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम का फरमाने आलीशान है, मेरी उम्मती को मुआखजा नहीं किया जाएगा, उसकी गिरफ्त नहीं होगी, उसे पकड़ा नहीं जाएगा। अगर वो कोई बात कह देगा अपने गुमान के मुताबिक जो उसको गुनाह की तरफ लेकर जाएगी, तो उसका गुमान था जो उसको गुनाह की तरफ ले जाने का सबब बना। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया था, इन्नबादा ज़न्न इस्मुन, बस तुम्हारे ऐसे गुमानात होते हैं जो गुनाह होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ऐसे गुमानात से महफूज व मामून फरमाए, और खुसूसन जो हमारे नफूस से और शयातीन की तरफ से जो हमारे अंदर जो वसवसात आते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे महफूज व मामून फरमा के अपने करम से, अपनी मेहरबानी से, अपने फजल से और अपने नूर से हमें इल्हाम की रिम झिम नसीब फरमाए। आमीन। कलाम मुझे शामिल करना है एक बहुत ही खूबसूरत, उसके चंद अशआर। क्या खूब मुझे साहिबे कुरआन नजर आए, क्या खूब मुझे साहिबे, क्या खूब मुझे साहिबे कुरआन नजर आए, वो मेरे हर एक दर्द का दरमान नजर आए, वो मेरे हर एक दर्द का, क्या उन्हें पहुँच सकता है कोई, क्या उन्हें की बलंदी को
पहुंचे सकता है कोई जो अर्श पे अल्लाह के मेहमान नजर आए, जो अर्श पे अल्लाह के सर पे सर पे इसे रख लूं जो मिले नाल मुहम्मद। सर पे इसे रख लूं जो मिले नाल मुहम्मद, हर आँख में ये ताजे सुलेमान नजर आए, हर आँख में ये ताजे अल्लाह हो गनी फकरे मुहम्मद का नजारा। अल्लाह हो गनी फकरे मुहम्मद का नजारा, पेवंद लगे कपड़ों में वो सुल्तान नजर आए, पेवंद लगे कपड़ों में सर रख सर रख दरिया दरे सर वर्दी पर, सर रख सर सर रख दरिया जपना दरे सर वरे दी पर, ये तेरा सिया बख्त भी रखशा नजर आए, ये तेरा सिया बख्त भी रखशा नजर आए, क्या खूब मुझे साहिबे। माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह। आपने बहुत ही ज़ौक के साथ, शौक के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ समाअत फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक के समाअत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब, जब इंसान किसी भी काम के हवाले से एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाता है तो भी किसी न किसी वहम और वसवसे में मुब्तला हो जाता है। जी अली भाई, अर्ज़ यह है कि इंसान, ज़ाहिर सी बात है, जब किसी टेंशन में या किसी
परेशानी में या किसी ऐसी मुसीबत में मुब्तला होता है कि जब इंसान का ज़हन मुंतशिर होता है कि अजीबो गरीब से ख्यालात और अजीबो गरीब तजब्ज़ुब का शिकार होता है, तजब्ज़ुब का शिकार होता है, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी इंसान के ज़हन में शैतान की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो कि इंसान के तयक्कुन को और इंसान के यकीन को जो है वो मुतज़लज़ल, बिल्कुल इंसान के यकीन को ना तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं उसको सामने रखता है। मिसाल के तौर पे अब एक इंसान का बहुत बड़ा लॉस हो गया, किसी चीज़ में उसे नुकसान हो गया, तो वो उसका ईमान पुख्ता है। जिस तरह के मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि भाई इंसान का जो इंसान का ईमान है ना वो इंसान को पुख्ता कर देता है, लेकिन शैतान बीच में कूद पड़ता है क्योंकि वो इंसान के अंदर खून के अंदर सिरायत कर रहा है, अल्लाह वो अब उसके ज़हन पे ना दबाव डालता है, कहता है कि नहीं अब तेरे रब की ज़ात तुझ पे नाराज़ है, तू अब इस वजह से नुकसान में आ गया है, ऐसे ज़हन में ख्यालात पैदा करता है। फिर उसके ज़हन में ये आता है कि शायद मुझसे फलां गलती होगी, फलां मामला हो गया, फलां मामला हो गया, फिर अल्लाह की ज़ात पे जो इंसान का एक यकीन होता है ना पुख्ता, कोई मसला नहीं, अल्लाह की ज़ात, माल चला गया उसका नेमल बदल दे देगा, औलाद चली गई नेमल बदल दे देगा, जो ये यकीन होता है ना उसको कच्चा करने के लिए, उस यकीन को तोड़ने के लिए बाज़ औक़ात शैतान इंसान के ज़हन पे सवार होके तो वो बुरे ख्यालात पैदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत में भी अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पनाह में रखे और अल्लाह ताला शयातीन के शर से, और जो बुरे लोग आके कहते हैं कि इंसान के यकीन को तोड़ने की कोशिश करते हैं, ईमान को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तो उस सूरत में मैं समझता हूँ कि पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला शर शैतान और शर इंसान से महफूज फरमाए और शर नफ्स से भी महफूज फरमाए। और ये उस सूरत में होगा कि जब इंसान को दीन की तरफ इंसान का जहन मायल होगा। अब जैसा कि पहले बात चल रही थी ना कि भाई आजकल हमारे मुआशरे में बुरी सोच रखने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ कि दीन से दूरी है, बिल्कुल दीन से हमारी दूरी है। अगर हम दीन के करीब हों, दीन से दूर ना हो, तो मैं समझता हूँ कि यकीनन इंसान का जो सिर्फ 5 वक्त अल्लाह की बारगाह में झुक जाना है ना और अल्लाह को याद करना है, अल्लाह के हबीब पर दुरूद पाक पढ़ना है, यही चीज़ इंसान को इतना यकीन में पुख्ता कर देती हैं ये चीज़ें कि इंसान को फिर अगर शैतान का जो एक शर है ना जो ही वो सामने आता जाता है ना तो इंसान समझ लेता है, फिर फौरन ला हौल वला कुव्वत पढ़ता है, इसलिए पढ़ता है ताकि शैतान भागे। हदीस पाक में आता है कि जब आज़ान के कलेमात पढ़े जाते हैं तो शैतान भागता है, इंसान से इतना दूर चला जाता है कि वो आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती, लेकिन जो ही आज़ान ख़त्म होती है शैतान फिर आके वापस आ जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ला हौल वला कुव्वता, जिस तरह के हदीस में आता है कि इसको सुबह और शाम रूटीन बना लेनी चाहिए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, जो इंसान पढ़ता है शैतान उससे दूरी इख्तियार कर लेता है, इसलिए इंसान को ये अमल करने चाहिए। और अगर इंसान इसको प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी में ले आता है, ये अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि इंसान के ज़हन में जी शयातीन जो है वो शर नहीं डाल सकती। सही है। मुफ्ती महबूबुर रहमान गोलडवी साहब, आजकल
हमारी यूथ जो है, नौजवान नस्ल, वो बहुत ज़्यादा इस तरह की डिप्रेशन, एनजाइटी, वहम, वसवसे, और देखा जो ज़्यादा जा रहा है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो लोग शिकार होते हैं वो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के वहम और वसवसों में मुबतला हो जाते हैं। तो इस हवाले से ये फरमाइए कि क्या ऐसी सूरत इख्तियार की जाए कि इस चीज़ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और फिर इलाज जो है वो हमने देखा है कि ज़्यादातर रूहानी तौर पर सूरह रहमान से बहुत ज़्यादा लोगों को शिफा मिली है, इस हवाले से लोगों के वहम, वसवसे, एनजाइटी, डिप्रेशन ख़त्म हुई है, और कसीदा बुर्दा शरीफ सुनने से। तो मतलब हम जहाँ पे बाद में उस चीज़ को तस्लीम करते हैं, अगर हम पहले ही उसको तस्लीम कर लें कि जो दिलों का सुकून है और करार है वो अल्लाह तबारक व ताला के ज़िक्र में है, तो हम बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं। जी अली रज़ा अरशद भाई, क़िबला अलामा इमरान हबीब ज़ियाई साहब मुझसे कबल इसी हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहे थे कि आज जो इंसान अपने आप को बिल्कुल कमतर समझता है, और कई मरतबा यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उसकी सोच की वजह से, उसके गुमानात की वजह से इंसान यहाँ तक के खुदकशी तक आ जाता है। बहुत ज़्यादा इसकी शरह बढ़ गई है, और बिलखसूस यूथ में, नौजवान नस्ल में, और कई मरतबा ऐसे देखने में आता है कि वो जज्बात के अंदर आके कई मरतबा अपने आप को जज्बात में लाकर वो नौजवान खुदकशी कर रहा होता है। कई मरतबा ऐसे होता है कि वो अपने आप को कमतर समझ के वो अपने आप को खुदकशी कर रहा होता है। तो ये याद रख लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की पूरी ज़िंदगी वो हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल के तौर पर है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने अहले ईमान को रब्बे जुल जलाल की ज़ात पर तयक्कुन दिलाया है, यानी कि रब की ज़ात पर यकीन पुख्ता होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए, ताकि इंसान के जहन में इस तरीके से गुमानात पैदा ना हों, वो बुराई की तरफ ना जाए, वो अपने आप को मिटाए नहीं बल्कि अपने आप को उठाए। ये तभी हो सकता है कि रब की ज़ात पर इंसान का भरोसा हो, तवक्कुल अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हम क्यों हैं, इस हवाले से भी फरमाइए कि सब कुछ होने के बावजूद जो है, जिस तरह टाइम गुजर रहा है, फैसिलिटीज़ में इजाफा हुआ है, अशिया की दस्तियाबी और फ्राहमी में इजाफा हुआ है, जो ज़िंदगी है, लाइफ जो है वो कम्फर्ट में ज़्यादा चली गई, लेकिन उसके बावजूद हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इसकी क्या वजूहत हैं, दीन से दूरी? इसकी वजूहत में से एक वजह तो, या तरबियत का फुकदान है? एक वजह तो आप ये समझ लें कि सबसे पहले जिस तरीके से आपने पढ़ा, अल्लाह ताला की याद से हम गाफिल हैं, दीन से हमारी दूरी है, और रब की जात पर हमारा तवक्कुल नहीं है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है रब उसके लिए काफी है, तो फिर हमें और किसी जानिब तो जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि इस मौजूदा पुरफितन दौर के अंदर जहाँ पे हम नमूदो नुमाइश को देखते हैं, अपने साथ वाले उठने बैठने वालों को देखते हैं, और ज़रा सा हमारे जहन में जो ही गुमान आ गया, हम कहते हैं कि ये हमारे साथ का, और हमारे बिल्कुल उठने बैठने वाला हमारे हमारे साथ उठता बैठता है, हमारे साथ खाता पीता है, इसी सोसाइटी के अंदर ये भी होता है, और ये इतना ऊपर जा रहा है और हम क्यों नहीं जा रहे। दूसरा ये है कि ये हसद की बीमारी जो है, ये हसद भी तभी पैदा होता है कि इंसान के जहन में जब कोई वसवसा, बुरा ख्याल जब आते हैं, तो ये भी इंसान को हसद तक लेकर जाता है। तो इंसान जिस वक्त इस हद तक पहुंच जाता है कि हसद तक पहुंच जाता है, तो उस वक्त इंसान हमेशा उल्टे रास्ते पे चलेगा, बुरे रास्ते पे चलेगा, और उसके कदम जो उठेंगे वो शैतानी रास्ते पे उठेंगे, जिससे रब्बे जुल जलाल ने मना फरमाया है कि शैतान के नक्शे कदम पर चलने से तुम अपने आप को बाज रखो, रोके रखो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम ने जिस तरीके से अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन को ये दर्स दिया कि रब की ज़ात पर तुम्हारा भरोसा होना चाहिए, खालिक कायनात ने भी हमें दर्स दिया, मौजूदा इस पुरफतन दौर के अंदर हमें इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पे हम दुनियावी तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं, वहाँ पे कम अज़ कम हम अपनी औलादों को इतना तो सिखाएं कि अल्लाह की ज़ात पर हमारा यकीन कामिल कैसा होना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की ज़ाते ग्रामी के साथ हमारा वास्ता, ताल्लुक, रब्त कैसा होना चाहिए, उनकी ज़िंदगी से हमें कैसे सीखना चाहिए। अगर आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वबारक वसल्लम की सीरत मुताहरा को अगर पढ़ लें, तो हमारी जिंदगी से कई ऐसे खदशात हैं जो दूर हो सकते हैं, कई ऐसे नुकसान हैं जिनसे हम बच सकते हैं।
सही है। अलामा इमरान हबीब जाही साहब, लास्ट मैसेज। इस हवाले से मेरा मैसेज यही है कि इंसान को सबसे पहले तो बुरे गुमान और तजस्सुस जो इंसान को गलत रास्ते पे ले जाता है उससे अपने जहन को पाक रखना चाहिए। किसी के बारे में आप बुरा गुमान न रखें। अगर आप किसी के बारे में आज बुरा गुमान रखेंगे, आज अगर आप किसी से ऐसे हसद की बिना पे बुरा गुमान करके कि यार ये ऐसे है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, तो वो इंसान को गुमराही की तरफ ले जा सकता है। तो इससे मैं समझता हूँ कि सबसे पहले इंसान को अपनी जहनी जो सोच है, इंसान का जो वहम है और उसको, हाँ, उस चीज को पाक करना चाहिए जहन को। जब इंसान का जहन, दिल और दिमाग पाक हो जाता है, सोच अच्छी हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान की जो नस्लें हैं वो जो है वो बाबरकत हो जाती है। अगर हम अपनी सोच ही आज से बदल लें तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी औलाद को भी ये दर्स देंगे, बदल सकते हैं, हमारी औलाद आगे ये दर्स देगी, तो हमारे मुआशरा तब भी एक तरक्की याफ्ता मुआशरा बन सकता है कि जब हम किसी के बारे में अच्छी सोच रखेंगे अगला हमारी बारे में अच्छी सोच रखेगा। अल्लाह ताला हमें अच्छी सोच रखने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती महबूब रहमान गोलडवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अलामा इमरान हबीब जाही साहब आपका बहुत शुक्रिया। अभी सीरत की बात हो रही थी नाजरीन, एक सीरत और किरदार के हवाले से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या मैंने कुछ दिन कबल पढ़ा, तो मुझे पढ़कर बड़ी जो है वो हलावत महसूस हुई, बड़े रिक्कत अमेज़ वाक़या है, तो मैंने चाहा कि आपके साथ भी शेयर करूं। और इस वाक़े के साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, रुख्सत भी चाहूँगा कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो उससे अगली सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे रास्ते से, तो आपने देखा कि एक बूढ़ी औरत है, बीमार महसूस हो रही है और उसने बोझ उठाया हुआ है और वो बोझ उससे उठाया नहीं जा रहा। तब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब तशरीफ़ ले गए और फरमाने लगे कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? तो उसने अर्ज़ किया कि बिल्कुल, मुझसे तो मैं पहले ही मुसीबत में मुबतला हूँ कि मैं, देर भी हो रही है और मेरा मालिक जो है वो मुझ पर गुस्सा भी होगा, मुझ पर तशद्दुद भी करेगा और मुझसे ये बोझ उठाया नहीं जा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बोझ उठाया और फरमाने लगे कि तुम मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दो। तो वो अर्ज़ करने लगी कि मुझ में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी चल सकूं, मुसलसल काम की वजह से इस कदर मैं जिस्म में अपने थकावट महसूस कर रही हूँ, थकी हुई हूँ कि मैं जल्दी से चल भी नहीं सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी काली कमली मुबारक जो है फरमाया कि इसका दामन पकड़ लो और मेरे पीछे पीछे चलना शुरू कर दो, तो तुम तेज़ी के साथ मेरे साथ चलना शुरू कर दोगी। जब वो पहुँचे उस मालिक के पास तो वो यहूदी था, उसने दरवाज़ा खोला, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हैरान हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बस्ती में आज किस तरह तशरीफ़ ले आए? आपने बताया कि ये जो तुम्हारी नौकरानी है इससे ये बोझ नहीं उठाया जा रहा था, तो मैं छोड़ने के लिए आया हूँ। तो उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा वो कि क्या जो अभी रात गुजरी है उसमें आपको मेराज हुई है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल मुझे मेराज हुई है। तो वो अर्ज़ करने लगा कि एक मिनट सिर्फ आप मुझे दें और रुक जाएं यहीं पर। वो गया और अपनी किताब जो उनकी थी तौरात या अंजील वो लेकर आया और उसमें उसने देखा और कहने लगा कि हमारी किताब में ये तذکرہ मौजूद है कि जो आखिरी सच्चा नबी होगा उसको रात को मेराज होगी और अगले दिन वो एक बुढ़िया का सामान जो है वो उठाकर लेकर उसके घर तक, उसके मालिक के घर तक लेकर जाएगा, वो पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। नाज़रीन, ये वो किरदार है, ये वो अमल है जिसका फुकदान है आज हमारे मुआशरे में। और आज अगर हमें दो लोग सलाम करना शुरू कर दें, हम दो जमातें पढ़ जाएं, तो हमारा नखरा जो है वो दीदनी होता है, देखने के काबिल होता है, लेकिन कुर्बान जाइए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर कि इतना बुलंद मकाम मरतबा लेकिन आजजी और इनकिसारी इस हद तक। यही वजह है कि कुफार भी आपको सादिक और अमीन कहने पर मजबूर है। आज भी जो दुश्मन भी हैं वो भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के हवाले से बात नहीं कर सकते। ज़रूरत इस अमर की है कि हम उस किरदार को अपनाने की कोशिश करें। मुझे अली रज़ा अरशद सोहरावर्दी को, रोज़ न्यूज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में नए मेहमान और नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, और अपने हल्के अहबाब में अपने अजीज़ व क़ारीब का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।